हे गाइस व्हाट्सअप वरियन सासिकाल बच्चे हेलो इट्स बॉय आदित्य बाली व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मैं बनाने वाला हूँ। तो यार पहली बात तो राइटिंग के लिए माफ़ करना, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, आपको पता ही है मेडिकल स्टूडेंट की राइटिंग कैसी होती है। फिर भी आपके लिए एक छोटा सा एक कुछ सोच के लाया टॉपिक, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मैं बताऊँगा आपको किस वजह से होते हैं। देखिए गाइस हमारी लाइफ जो स्टार्ट होती है स्कूल से, ठीक है जी। ये हमारा स्कूल, स्कूल से लाइफ स्टार्ट हुई, स्कूल से लाइफ चली ऊपर, अब यहाँ से गए हम कॉलेज को जाएंगे। कॉलेज जाने के बाद हम कोर्स सीखते हैं, कोर्स के बाद हम एम्प्लॉय बनते हैं। एम्प्लॉय बनने के बाद टाइम टू टाइम घर वाले आपकी शादी करवा देंगे। जब शादी होगी तब आप सोचोगे कि आप सेटिस्फेक्शन है, जो कि भाई साहब मेरे हिसाब से तो गलत है। ठीक है, कुछ बंदों की लाइफ और कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है तो वो ऐसा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मैं क्या करूँगा इस वे में, मेरा क्या है। ठीक है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और मैंने कुछ लाइक टाइप से सोचा हुआ है, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। वीडियो में जुड़े रहें। चलिए गाइस फिर से स्टार्ट करते हैं। सेकंड, पहली बात तो मैं आपको सेकंड वाला बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सीखिएगा। ऐसे हो गया स्कूल, यू से हम गए ऊपर को, ऊपर से किया हमने कोर्स। जब कोर्स किया फिर कोर्स से कुछ बनाया अपना, वो आप समझ गए। उसके बाद एंटरप्रेन्योर बना, एंटरप्रेन्योर बनने के बाद शादी घर वालों ने टाइम टू टाइम करवानी ही है। शादी होगी, शादी के बाद सेटिस्फेक्शन, लेकिन सेटिस्फेक्शन के बाद हम सोचते हैं कि हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करें, जो कि नहीं हो पाता। ये जो करना है पहले ही करना है, ठीक है। जिंदगी में रिस्क खेलो, रिस्क खेलकर लाइफ चेंज हो सकती है, हो सकती नहीं है, हो जाती है, हमने किया है, दैट्स इट। तो ये था यार सक्सेस का दो फॉर्मूले, ये सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया है जो कि मैं फॉलो करने वाला हूँ और मैं कुछ एक फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है, जिसके बारे में मैं कोई शॉर्ट आउट नहीं बताने वाला। कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, ठीक है। बाकी एंटरप्रेन्योर के बारे में कोई भी अगर जानना चाहता है कि एंटरप्रेन्योर कैसे बने, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है जी, ठीक है, डिटेल। टेंशन नहीं लेनी, मैं पूरा वीडियो कंटेंट आपके लिए बनाकर लाऊंगा और आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा। ये चीज़ को अगर मानोगे ना गाइज, सक्सेस तो होगा आपकी लाइफ में, और सोते सोते भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। मैं अभी किस पॉइंट तक पहुंच गया हूं मैं आपको ये बता देता हूं। मैं स्कूल था, लेकिन मैंने स्कूल में सीखा
50% ऊपर गया, कोर्स किया। किस चीज़ का कोर्स किया नहीं बता सकता। कोर्स के अंदर आता है, कोर्स के अंदर जो है टू पार्टीशन होती है, कॉलेज की भी होती है। तो कॉलेज अभी मेरा लगा हुआ है, कॉलेज के बाद मैंने क्रिएट करना है, लेकिन मैं एडवांस स्टेप इसे एडवांस चलाऊं, मींस जो ये एंटरप्रेन्योरशिप है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मैं बन चुका हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर चुका हूँ और मैं एंटरप्रेन्योर बन चुका हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर वर्क कर रहा हूँ साइड बाय साइड। अब मुझे करना है, इंटरव्यूनर करने के बाद मुझे क्रिएट करना है। जब क्रिएट हो गया मींस बिजनेस, कंपनी या शॉप कुछ भी, लेकिन मुझे जो करना है मैं शूट आउट नहीं करूँगा। उसके बाद मुझे सेटिस्फेक्शन तो मिलने नहीं वाली, ये मेरी ज़िंदगी का रूल है। मैं करते रहता हूँ, करते रहता हूँ, करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, कोई मैं खाली नहीं बैठता, ठीक है। मेरे हाथ हमेशा चलते रहते हैं, एक जगह काम नहीं बना, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, बस मुझे काम करना है। वीडियो को पूरा देखो ना। तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा अच्छा, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना और बता के जाना गाइज़। और नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आदित्य बाली व्लॉग्स। आने वाले टाइम में ढेर सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ आपको अपने व्लॉग के माध्यम से यूट्यूब चैनल में। लाइक करके जाओ, कमेंट करके जाना किस चीज़ पर वीडियो बनाया जाए, शेयर करके जाना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी लोग जो ना है भटके हुए हैं रास्ते पर, उनको ट्रैक पर भी ले आएंगे हम, ठीक है जी। चलो ठीक है, चलते हैं। एंड में एक ही बात बोलना चाहता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, शेयर ज़रूर करो यार, किसी का भला करवा दो। शेयर, लाइक, कमेंट और शेयर। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता देना चाहिए आपको कि क्या बात है। और ये एक बात मैं फिर से बोल दूँ, ये सेकंड वाला मेरा फॉर्मूला था, वो मैंने पहले वाला फॉर्मूला बताया। अब आपके अंडर ऑप्शन है कि आपको फर्स्ट वाला करना है या सेकंड वाला करना है, ठीक है। हु इज़ द बेस्ट, यू इज़ द बेस्ट। थैंक यू सो मच।